सरकार की चीजों पर वाटरमार्क आना चाहिए कि एआई जनरेटेड है, तो एक व्यक्ति को लगेगा भाई इस पर मैं भरोसा करूं या ना करूं। और मैं मानता हूं कि आप जैसे जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है, मानव जाति की बड़ी सेवा होगी ये, ठीक है। एक स्टेज आने के बाद शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो आज हम उस स्टेज पर हैं, हमें जरूरत पड़ेगी। तो वाटरमार्क के साथ एआई जनरेटेड वाटरमार्क, ये कोई भी प्रोडक्ट आएगा अगर एआई टच है तो ऊपर आएगा ही, ऑटोमेटिक आएगा कि एआई जनरेटेड है। उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन काम नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी विल गिव अ सॉल्यूशन। और इसलिए मैं समझता हूँ उस दिशा में भी अगर इतने सारे ब्रेन्स यहाँ हैं तो आप जरूर कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज भारत तेजी से ग्लोबल बायोटेक पावर हाउस के रूप में उभर रहा है, और जैसा आप सब साथियों ने कहा, भारत में बायोफार्मा रिसर्च प्रमोट करने के लिए एक फर्टाइल इकोसिस्टम है। भारत में बड़ी संख्या में साइंटिफिक टैलेंट पूल तो है ही है, भारत का बड़ा और डाइवर्स जीन पूल भी है। भारत की विशालता और विविधता, ये मैं समझता हूं कि वहां एक बार कोई चीज पायोनियर रही है और उसमें प्रयोग हुए हैं तो वो दुनिया में कहीं पर भी वो लागू हो सकते हैं, इतनी विशालता और विविधता वहां भरी पड़ी है। एफोर्डेबल रिसर्च की पॉसिबिलिटी भी है और एफोर्डेबल मैन्युफैक्चरिंग और एश्योर क्वालिटी भी है। बायो सिक्योर एक्ट जो कैपेसिटी गैप क्रिएट का होगा, भारत उसे ट्रस्टेड और एफिशिएंट तरीके से पूरा कर सकता है। बायो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए हम बायो E3 पॉलिसी लेकर आए हैं, आपके साथ ध्यान में आया होगा पिछले सप्ताह ही मैंने मेरी कैबिनेट में बायो E3 की पॉलिसी हम लेके आए हैं और एक बहुत फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी हमने बनाई है। बायो E3 यानी बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरमेंट, इन तीनों चीजों को लेकर के मैंने बायो E3 पॉलिसी को बल दिया है। 2030 तक भारत की बायो इकोनॉमी बढ़कर $300 बिलियन की होने की हम संभावना देखते हैं। 2025 तक भारत में 10,000 से ज्यादा बायो स्टार्टअप्स की संभावना मैं देख रहा हूं, जिसके कारण आप कल्पना कर सकते हैं ग्रास लेवल पर कितने बड़े काम की संभावना इस बायो के सेक्टर में भी होने की संभावना मैं देखता हूं। हमारा लक्ष्य है कि हेल्थ सिक्योरिटी और ग्लोबल चैलेंज के सॉल्यूशन देने में भारत लीडरशिप के रोल में हो, और जिसमें आप सबका सहयोग बहुत बड़ी हमें ताकत दे सकता है। भारत प्रो प्लैनेट पीपल के अप्रोच को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, इनोवेट कर रहा है। 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को अचीव करने के लिए हम एक साथ कई स्तर पर काम कर रहे हैं, और इसलिए आपके लिए मैन्युफैक्चर में भी अद्भुत संभावना है। फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की विकास यात्रा में आप सभी को मैं एक सहयात्री के रूप में, एक सहभागीदारी के रूप में हमेशा मानता हूं, देखता हूं, और उस प्रकार से हमारी यात्रा भी रही है, आप सबका अनुभव भी है। मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की टेक कंपनीज मिलकर ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान से मैं अहम रोल निभाएगी। मेरी टीम आपके जो सुझाव मिले हैं उसको भी, और आपने जो एक विश्वास व्यक्त किया उसको भी, हम उसको बड़ी गंभीरता से लेते हुए आवश्यकता के अनुसार उसको हम फॉलोअप भी करेंगे। मेरे द्वार तो हमेशा खुले रहते हैं, मैं हमेशा एक विद्यार्थी की तरह आप सबसे कुछ सुनता हूँ, सीखता भी हूँ, और गवर्नेंस में उसको लाने का प्रयास भी करता हूँ ताकि मेरा देश भी उतना ही तेजी से आगे बढ़े। लेकिन मैं फिर से एक बार आप सब समय निकाल करके आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ,
और मैं आपका हृदय से आभारी हूँ कि आप चिंता किए और इस काम को आगे बढ़ाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी।